अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं जी? खैरियत से हैं। आज हमारा एनर्जी कंजर्वेशन वाला जो चैप्टर है उसका आखिरी लेक्चर है एंड वी हैव टू डिस्कस द एनर्जी कंजर्वेशन इन वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल और वन डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम। वन डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम। उससे पहले ज़रा देखें कि हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू वर्क, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू वर्क, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी दो तरह की होती है, वन इज द काइनेटिक एनर्जी, अनदर इज द पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन। द काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। और काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर किसकी इक्वल होती है? हाफ एम वी स्क्वायर के। किसी भी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी किसी पार्टिकल की जिसकी मास एम है उसकी वेलोसिटी अगर वी है तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगी। इसी तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, द पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और ड्यू टू इट्स कॉन्फिग्रेशन। पोजिशन के हवाले से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है कि अगर यहां पर मेरे हाथ में ये बॉडी एक पड़ी है तो अगर इसके लिहाज से इस पोजिशन के लिहाज से अगर मैं कहूं कि इस के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है तो जीरो है। अगर मैं इसे यहां ले जाऊं एक हाइट h तक ऊपर उठा दूं तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू mgh। सो वो पोटेंशियल एनर्जी जो कि पोजीशन की वजह से है दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। इफ h इज नॉट वेरी लार्ज then the gravitational potential energy is equal to mgh। इसी तरह से अगर हम एक स्प्रिंग है उस स्प्रिंग को अगर हम खींचें या उसे कंप्रेस करें तो उसकी हमने कॉन्फिग्रेशन को चेंज कर दिया, शेप को चेंज कर दिया, तो वो जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ के डी स्क्वायर। अगर हम एक स्प्रिंग को डी डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करें या एक्स डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करें या कंप्रेस करें तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। सो दिस इज आर पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी इज द it is possessed by a body due to its position or due to its change in configuration, or the kinetic energy is the energy possessed by a body due to its motion, and the sum of kinetic and potential energies is called mechanical energy. The sum of kinetic and potential energy is called mechanical energy. ye simple basic si baatein thi. acha ek do baatein aur aapne basics one dimensional एंड थ्री डायमेंशन कंजर्वेटिव सिस्टम को पढ़ने से पहले आपने ये बातें मद्देनजर रखनी है, ज़हन में रखनी है। एक दो बातें और हैं जो आपने ज़हन में रखनी है। देखें, अगर फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है जी, इसको आप यहां से उठा के यहां ले आए तो आपने इसके ऊपर वर्क किया, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्या किया जी? वर्क किया। तो यहां से बॉडी कितना फर्ज कर लें कि आपने कितना डिस्टेंस ऊपर ले आए, h डिस्टेंस ऊपर ले आए,
आपने कितनी फोर्स लगाई एफ, तो आपका किया गया वर्क जो है वो किसके बराबर होगा एफ डॉट एच। ठीक है, वर्क डन बाय मी, मैंने जो फोर्स ऊपर लगाई है, मेरी किया गया, मेरी लगाई जाने वाली जो फोर्स है, वर्क कौन करती है, फोर्स करती है, तो मेरी फोर्स जो मैंने लगाई है उसकी वजह से वर्क कितना हुआ एफ डॉट एच, यानी एफ एच कॉस थीटा कॉस जीरो, क्योंकि मैं जिधर फोर्स लगा रहा हूं उधर ही बॉडी जा रही है। लेकिन अगर हम यहां पर वर्क डन कैलकुलेट करें बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रही है, नीचे की तरफ, तो फिर इसका मतलब है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रही है, नीचे की तरफ, बॉडी अगर जा रही है ऊपर की तरफ, तो फिर इसका मतलब है कंजर्वेटिव फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स का किया गया वर्क क्या आ जाएगा, माइनस एफ एच, यानी एफ एच कॉस 180 डिग्री, 180 कितना होता है माइनस वन, तो कितना आ गया माइनस एफ एच, तो एफ किसके बराबर है एम जी के, तो इसका मतलब है अगर हम यहां से बॉडी को यहां तक ले जाएं तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी और वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर आएगा माइनस एम जी एच आएगा। तो अब दूसरे लफ्जों में ये देखें कि अगर फर्ज करें बॉडी यहां पड़ी है, इसको मैं यहां से उठा के यहां ले जाऊं, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करें, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स मूव करें, तो आपने इस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी कि कम कर दी, बढ़ा दी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, लेकिन लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, ठीक है, बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आई है, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी कि कम हुई, बढ़ी। लेकिन अगर फर्ज करें ये जो बॉडी है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में अगर मूव करे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगी, कमी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये लिख सकते हैं कि द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू द माइनस ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस ऑफ द वर्क डन। इसका मतलब है अगर ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का किया गया वर्क क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन अगर कंजर्वेटिव फोर्स का किया गया वर्क पॉजिटिव हो, ऐसे कर दें, तो इसका मतलब है फिर ये हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगी, चेंज क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कमी होगी। इसका मतलब है अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट मूव करें तो ग्रेविटी का किया गया जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा और उसके नतीजे में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन अगर बॉडी फील्ड की डायरेक्शन में मूव करे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का किया गया वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके नतीजे में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम होगी। सो ये जो हमारा रिलेशन है, कौन सा वाला, ये रिलेशन जो है वो आपने याद रखना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन अ कंजर्वेटिव फील्ड, या ग्रेविटेशनल फील्ड कह लें, या इलास्टिक स्प्रिंग के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो वहां पर हम बात कर लेंगे। ठीक है जी। सो ये दोनों तमाम सिस्टम्स के लिए है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू, लेकिन ये कौन सी फोर्स का किया गया वर्क है, कंजर्वेटिव फोर्स का किया गया वर्क है। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। अब फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगी वो भी स्मॉल होगी। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स आर इन्फिनिटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल इतना ही काफी है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स ये जो डेल्टा है ये डी यू बन जाएगा, डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, और जो स्मॉल वर्क डन होता है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो स्मॉल वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है बताओ, एफ एफ फॉर वन डायमेंशन सिस्टम, एफ एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, या सिंपल एफ इन टू डी एक्स भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी, एफ इन टू
dx भी लिखा जा सकता। अब इसका अगर हम dx को नीचे ले आए तो du ओवर dx इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, या ये माइनस इधर हटा के इधर भी लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी सिस्टम के अंदर, उसका अगर हम नेगेटिव डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, सो नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। लेकिन ये फोर्स कौन सी है? कंजर्वेटिव फोर्स है, दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स। सो नेगेटिव ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज इक्वल टू द कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो ये बेसिक्स बातें थी जो आपको जेहन में रखनी है व्हेन वी विल डिस्कस द वन एंड थ्री डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम। ठीक है जी। तो अब इसमें ये मैं मिटाने लगा हूं, इसको दोबारा हम अपने आर्टिकल टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम। तो पहले हम वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करते हैं। वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव, वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम, उसके लिए जरा गौर करें। वन डायमेंशन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए इसमें बेटा देखो, फर्ज करो कि हमारे पास एक बॉडी है जिसकी मैस एम है, वो इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट पर है। ठीक है, दिस इज इट्स इनिशियल पोजीशन। अच्छा, ये हम एक जनरल केस लेने लगे हैं, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं स्प्रिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बाद में करेंगे, या ठीक है आप कर सकते हैं, या फिर ये भी अगर बॉडी यहां से नीचे मूव करे या नीचे से ऊपर मूव करे, ये भी वन डायमेंशनल सिस्टम है, यानी एक डायरेक्शन में आपने मालूम कर मूव करना है। ये हमारी एक बॉडी है जिसकी मैस एम है, उसकी इनिशियल पोजिशन कितनी है, इट इज एट इनिशियल पोजिशन एट एक्स नॉट। इसकी यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है u ऑफ x नॉट, यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज v नॉट। वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी एट दिस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन कौन सी है x नॉट, यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है u ऑफ x नॉट, यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी है v नॉट, यहां आपने लगाई फोर्स, फोर्स लगा के उसकी पोजीशन बदल दी, कहां पर बॉडी चलेगी एट एक्स, एट फाइनल पोजीशन, एट सम फाइनल पोजीशन एक्स, यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यू ऑफ एक्स, यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जी वी। ठीक है, अब अभी हमें पीछे पता है, हम पढ़ के आए हैं डेल्टा यू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी That is equal to minus W. The change in potential energy is equal to minus W. ठीक है, change in potential energy कितनी आई, final potential energy minus initial potential energy, U of x minus U of x naught, that is equal to minus work done from initial position x naught to x, F of x into D of x. बात समझ में आ गई जी, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वी नॉट, फाइनल वेलोसिटी कितनी है वी, तो इसको हम बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक क्या होगा, द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे पास वर्क डन क्या होता है जी, वर्क डन क्या है, एक्स नॉट से एक्स तक एफ ऑफ एक्स
एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू, इतने हिस्से की वैल्यू, इस वर्क की वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, बताएं जी, ठीक है। u ऑफ x माइनस u ऑफ x नॉट दैट इज इक्वल टू, जब ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, तो क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा जी u ऑफ x प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू u ऑफ x नॉट प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब यहां पे देखें, इसका मतलब है कि द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट दिस फाइनल पोजीशन एंड द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट द इनिशियल पोजीशन, इन दोनों पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है इस फाइनल पोजीशन पर और इनिशियल पोजीशन पर, दोनों का सम जो है वो क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही हो तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। इसका मतलब है दोनों का जो सम है इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर क्या है, सेम है। इट मींस द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम व्हिच इज मूविंग वन डायमेंशनली रिमेंस कांस्टेंट। तो इसका मतलब है हम ये लिख सकते हैं कि चेंज इसको अगर हम दोनों को इधर ही ले आए तो क्या बनेगा बताएं जी, क्या बनेगा, ये बनेगा जी u ऑफ x, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं u ऑफ x माइनस u ऑफ x नॉट, ठीक है, इसको इधर ले प्लस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये क्या बन गया जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या बन गया जी, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। अगर इन दोनों से डेल्टा कॉमन ले लें तो डेल्टा कॉमन आ गया क्या, सम पोटेंशियल एनर्जी प्लस द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। अगर किसी चीज में चेंज जीरो हो तो इसका मतलब है वो चीज क्या रहती है, कॉन्स्टेंट, वो क्या रहती है, इसका मतलब है इतने इन दोनों का फिर सम फिर क्या रहेगा, u ऑफ x प्लस द काइनेटिक एनर्जी इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड द टोटल एनर्जी, क्योंकि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी, दिस टोटल एनर्जी इज नोन एज द मैकेनिकल एनर्जी। तो दिस इज द टोटल एनर्जी एंड दिस टोटल एनर्जी वी कैन ऑल्सो राइट दिस टोटल एनर्जी एज द मैकेनिकल एनर्जी, द मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल सकती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल सकती है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर इन दोनों का जो सम है इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी चेंज इन टू काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैन बी चेंज इन टू पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट इट्स टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट मीन्स एनर्जी इज कंजर्व्ड इन वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम। दिस इज वन डायमेंशन कंजर्वेटिव सिस्टम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये बातें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हवाले से की हैं, और एनर्जी इज कंजर्व्ड इन व्हेन वी हैव अ वन डायमेंशन कंजर्वेटिव सिस्टम। इसमें मास स्प्रिंग सिस्टम भी हो सकता है, एक बॉडी को अगर यहां से मैं छोड़ दूं तो यह भी हो सकती है कि जैसे जैसे बॉडी नीचे जा रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी हो रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर उनका जो सम है वो क्या रहेगा,
कॉन्स्टेंट रहेगा एंड दैट कॉन्स्टेंट इज नोन एज द टोटल एनर्जी. इन दिस केस इट इज इक्वल टू द मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है जी. अच्छा, अब अगर हम इसे थ्री डायमेंशन के हवाले से बातें करें, इसको थ्री डायमेंशनली अगर हम देखें, थ्री डायमेंशनली बेटा अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो मैं इसको जरा मिटा दूं जी. थ्री डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम अब हम लिखेंगे, थ्री डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम. ये था हमारा वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम. सो नाउ द थ्री डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम जो है वो क्या होगा, थ्री डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम. ठीक है जी, थ्री डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम. इसमें बेटा देखो कि फॉर वन डायमेंशन हमने क्या लिखा था, फॉर वन डायमेंशन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज U of x, दैट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन, या इसे क्या लिख सकते हैं, द वर्क डन फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन. ठीक है, F of x इंटू डी ऑफ एक्स. दिस इज द केस फॉर वन डायमेंशन. अब हमने थ्री डायमेंशन की बात करनी है, तो जो हमारी फोर्स है इन थ्री डायमेंशन केस कि जो हमारी फोर्स है इन थ्री डायमेंशन, एफ जो है वो किसके बराबर होते हैं, एफ इज इक्वल टू, इसे हम एफ ऑफ आर कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के. एंड हमारा जो डी आर वैक्टर है दैट इज इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के. ठीक है जी. इसके लिए हम लिखें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन थ्री डायमेंशन केस दैट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन. अब इनका वर्क डन लें जी तो क्या बनेगा बताओ, एफ ऑफ, ठीक है, थ्री डायमेंशनली बेटा लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई नॉट इंटू वाई, एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई, ये अलोंग वाई एक्सिस हो गया. दिस इज द वर्क डन अलोंग जेड एक्सिस, जेड इज जेड नॉट टू जेड इंटू एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, ये लिखा जा सकता है. और इसमें हम माइनस बाहर माइनस लगा देंगे, इसको माइनस लिख लें या तीनों के साथ माइनस लगा दें, बाहर माइनस ले लें या इन तीनों के साथ माइनस ले लें, कोई मसला नहीं है. तो हम ऐसे ही इसको बाहर ही ऐसे लिख सकते हैं, ये नेगेटिव साइन, ये वाला जो नेगेटिव है ये बाहर आ गया. ठीक हो गई. इसको अब हम यूं लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है. ठीक है, आर नॉट टू थ्री डायमेंशन केस में आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. तो एक्स आर नॉट इन टू आर एफ ऑफ आर डॉट डी ऑफ आर, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ थ्री डायमेंशन. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, और ये नेगेटिव साइन बेटा आना है ये वाला. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन थ्री डायमेंशंस, और एफ ऑफ आर हमारे पास ये है और डी ऑफ आर जो है वो हमारे पास ये है. अगर हम इसकी डॉट प्रोडक्ट ले लें इनमें वैल्यूज लगा के, ये दोबारा ऊपर वाला दोबारा आ जाएगा, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है. ठीक है जी. इसी तरह से हमने फॉर वन डायमेंशन हमने क्या कहा, यू ऑफ एक्स प्लस हाफ
एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स नॉट इन प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। आपने वन डायमेंशनल ये कहा कि पोटेंशियल एनर्जी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजिशन द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पोजिशन इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज एट इनिशियल पोजिशन। ये जो है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। तो अगर हम इसको थ्री डायमेंशन केस में लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, यू ऑफ आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू ऑफ आर नॉट, ठीक है, प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब यहां पर भी इसमें ये तीनों कंपोनेंट्स आ गए पोटेंशियल एनर्जी के। अब यहां पर ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है ये किसकी इक्वल आ गया, वी एक्स स्क्वायर वी एक्स आई प्लस, पहले ऐसे लिख लें, वी वाई जे प्लस वी जेड के, ठीक है। एंड अगर मैं इसका इसकी मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या बनेगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो ऐसे लिखा जा सकता है, ये जो वी स्क्वायर है बेसिकली इसमें तीनों कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं। इस तरह से जो वी नॉट स्क्वायर है उसमें भी ये तीनों कंपोनेंट होंगे, वी नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट वाई स्क्वायर प्लस वी नॉट जेड स्क्वायर। तो आप ये थ्री डायमेंशंस में भी इस लॉ को लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी थ्री डायमेंशनली काइनेटिक एनर्जी और थ्री डायमेंशनली पोटेंशियल एनर्जी, इसका जो सम है वो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द पोटेंशियल दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल एनर्जी विच इज अ मैकेनिकल एनर्जी। इसी तरह से पीछे वन डायमेंशनली हमने एक और बात कही थी, ठीक है, कि द नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स अब यहां पर थ्री डायमेंशनली हम क्या लिखेंगे, थ्री डायमेंशनली बेटा क्या लिखा जा सकता है, जरा गौर करो, थ्री डायमेंशनल क्या लिखेंगे, एफ ऑफ आर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू अगर थ्री डायमेंशनली हमने लिखना है तो माइनस पार्शियल यू ऑफ एक्स ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू ऑफ वाई ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल या करली कह लें, ठीक है, u ऑफ z ओवर करली z, ये हमारे पास ऐसे इसको लिखा जा सकता है, ठीक है जी। इसमें बेटा ऐसे लिखा जा सकता है इसको मैथमेटिकली, माइनस अगर यहां लिख लें ऐसे करली ओ i यूनिट वेक्टर करली ओवर करली x प्लस j करली ओवर करली y प्लस k करली ओवर करली z इंटू डॉट डॉट u, और इसमें तीनों कंपोनेंट्स ही हमारे हैं, u ऑफ r लिखते हैं, u ऑफ r, बात समझ में आ गई, जिसके अंदर क्या है, ठीक है, यू एक्स भी है, u ऑफ x भी है, u ऑफ y भी है, u ऑफ z भी है। तो अगर मैं इसके साथ इसके डॉट प्रोडक्ट ले लूं, ठीक है, तो इसको u लिखा जा सकता है, ये हमारे पास क्या आ गया, डेल, तो दैट इज डेल डेल ऑफ यू ऑफ आर, ऐसे इसको लिखा जा सकता है, कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। इसका मतलब यह क्या हुआ जी कि नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट, दिस डेल इज नोन एज द ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, लेकिन ये फोर्स कौन सी है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपने वन डायमेंशनल केस को थ्री डायमेंशन केस में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। तो ये था हमारा एनर्जी कंजर्वेशन इन वन डायमेंशन एंड वन एनर्जी कंजर्वेशन इन थ्री डायमेंशन। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।